वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द मेंबर्स जो भी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज एक नया जो पहले जो एग्री ट्रेनिंग था उसी एग्री ट्रेनिंग से सिर्फ एक तरफ से मैं एक एक टॉपिक करके बताता हूं, बट आज जो एग्री ट्रेनिंग है, आज एग्री ट्रेनिंग का जो आपके दिल में जो सवाल है, आज का आपका दिल में जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के मैं इकट्ठा किया और एक इकट्ठा करके बाद एक जो मेरा कंपनी की तरफ से सबसे ओल्डेस्ट एग्री ट्रेनर है जिसको 4 साल से, तो वो आज मेरे साथ है। तो मैं स्वागत करता हूँ शिवम कुमार सिंघल सर को। नमस्ते शिवम जी। ओके नमस्ते सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एंड थैंक यू वासुदेव। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का सेशन स्पेशली एक काइंड ऑफ टॉक शो है, एंड वासु एक मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पॉटलाइट हटा दो मेरे ऊपर से, है ना, स्पीकर्स व्यू कर दो, तो जो बोलेगा उसका स्क्रीन दिखाई देता रहेगा। ठीक। सो आज का सेशन जो है वो स्पेशली टॉक शो है, राइट। एंड जैसे अभी वासुदेव जी ने बताया कि उन्होंने जितने भी आपके दिल में क्वेश्चन आते थे एग्रीकल्चर को लेके, चाहे प्रोडक्ट्स को लेके आते हो, चाहे फसल को लेके आते हो, वो सब क्वेश्चन उन्होंने कलेक्ट कर लिए, एक डेटाबेस उन्होंने बना रखा है, एंड हम लोग आज कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया जाए। मैं पहले जो मेरा क्वेश्चन है, तो आज का आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, जब से आप ज्वाइनिंग किया उसे ऐसे 2016-2017 उसके तरफ से 18-19 हेस्टिज एग्री हेस्टिज के तरफ से जो ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ के बारे में आप जानना चाहता हूँ। जो आप ज्वाइन करने के बाद जो ग्रोथ करके जो दिखाया, वो ग्रोथ के बारे में जानना चाहता हूँ। वो सब तो हम जानेंगे बासु, चलो ये तो ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, बट कोशिश हम यही करेंगे कि इस क्वेश्चन के बाद फिर हम सीधा प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही उठाएंगे, है ना। सो दोस्तों, जैसे बासु जी ने बोला कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर की कैटेगरी में वेस्टीज में 2008 में कदम रखा था, 2008 में Agri-82 आया था, और एक ही प्रोडक्ट था, लोग एक ही प्रोडक्ट को हर चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी से बीज उपचार करते थे, उसी को खाद में मिलाते थे, उसी से स्प्रे करते थे, सब कुछ उसी से करते थे। देन 2012 में एग्री ह्यूमिक आया, देन 2017 में बाकी सब प्रोडक्ट्स आए, 2017 में एग्री मॉस आया, एग्री नैनोटेक आया, एग्री गोल्ड आया, एंड एग्री बायोफंजीसाइड आया। तो 2017 में एक ये स्पेशल कैटेगरी बन गई थी जिसमें काफी प्रोडक्ट थे और एक अलग कैटेगरी बन गई थी। उसके बाद हमने ट्रेनिंग से स्टार्ट की थी, आई थिंक नवंबर 2017 से हमने ट्रेनिंग से स्टार्ट कर दी थी एग्रीकल्चर की, और उसके बाद से आज, मतलब आज अगर आप लोग जानते हैं तो वेस्टीज में लगभग 17 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, अलग अलग कैटेगरीज हैं, हेल्थ फूड है, देन हेल्थ सप्लीमेंट्स है, बट इन 17 में से आज, मतलब 2017 से लेकर अब 2021 की हम बात कर रहे हैं, आज एग्रीकल्चर वन ऑफ द टॉप कैटेगरी है, और नो डाउट आज हमारे पास बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशली काम कर रहे हैं, और उनका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस, जी यहाँ पे बैठे हैं अमरेश जी का भी बहुत अच्छा बिजनेस आता है एग्री के ऊपर, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने फिर एग्री स्टार में इन्वाइट भी किया था, और वो सब एग्री स्टार जो है वो वही लोग हैं जिनका कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत जबरदस्त बिजनेस आता है, और कैटेगरी को ग्रो करने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो आप सभी लोग 158 पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हैं, एग्री कैटेगरी एग्री वेस्टेज का कितने सारे ग्रोथ आया, बहुत काफी बदल चुका है, और उसके साथ साथ प्रॉमिसिंग सेक्टर है एग्री सेक्टर। तो उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है, एग्री का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में कितना कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पौधा में मिट्टी में डाल सकते हैं, कैटेगरी कितना सारे कैटेगरी है प्रोडक्ट रेंज हमारे पास। देखिए, टोटल मिला के 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर में, एंड 3 कैटेगरी जो हैं उनको बेसिकली, एक तो प्लांट प्रोटेक्शन है। प्लांट प्रोटेक्शन मींस कि वो प्रोडक्ट्स जो हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे,
या तो वो हमारे प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाएंगे या फिर वो हमारे प्लांट्स को बीमारियों से बचाएंगे। सो इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास नहीं है, बट फंगल डिजीज से बचाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं, प्रोटेक है हमारे पास, तो वो प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आता है। सेकेंडली, हम लोगों के पास न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रिशनल मीन्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, जो प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड करे, ग्रोथ प्रमोटर्स आप उनको बोल सकते हैं। सो वहाँ पे हमारे पास एग्री ह्यूमिक है, एग्री ह्यूमिक का ही भाई है एक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल है ना, एक लिक्विड में है, एक ग्रैनुअल में है। देन एग्री मॉस है, एग्री गोल्ड है, एग्री नैनोटेक है। एंड उसके बाद दो प्रोडक्ट आते हैं एक्टिवेटर की कैटेगरी में। एक्टिवेटर मीन्स विच विल एक्टिवेट समथिंग, जो किसी को एक्टिवेट कर देगा, मिट्टी को एक्टिवेट कर देगा या प्लांट्स को एक्टिवेट कर देगा। सो एक्टिवेटर में Agri-82 आता है, और कौन सा आता है जो अभी नया लॉन्च हुआ है। सो एक्वाजल जो है उसको भी एक्टिवेटर की कैटेगरी में रखेंगे। सो बेसिकली 8 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं एंड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वेरी नाइस। सो उसके साथ साथ मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिस से अंत किया जो एक्वाजिल जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो एक्वाजिल किस दिशा में काम करेगा और एक्वाजिल देने के बाद क्या फायदा मिलेगा और उसको डोज कितना रहेगा? देखिए, एक्वाजेल की अगर हम लोग बात करें तो एक्वाजेल जो है बेसिकली, एक्वाजेल को एक खास प्रॉब्लम के लिए डिजाइन किया गया था। फसल में वाटर लॉस काफी ज्यादा रहता है, मतलब वाटर स्ट्रेस काफी रहता है। जहाँ पे सूखा पड़ता है, सूखे की बहुत बड़ी समस्या होगी यहाँ पे। एंड जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, जैसे अगर हम ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, तो वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है और उसकी वजह से काफी टाइम पे फ्लड्स काफी आ जाता है। फील्ड जो है वो पूरा पानी से भर जाता है, क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, किसान का नुकसान हो जाता है। अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, एमपी, महाराष्ट्र या फिर ऊपर राजस्थान, वहां पे सूखे की काफी प्रॉब्लम आती है, ड्रॉट्स काफी आते हैं, वाटर स्ट्रेस। दूसरा, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं मिट्टी में, वो टाइम के साथ पानी के साथ मिलके धीरे 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 नीचे निकल जाते हैं मिट्टी में, बहुत नीचे, इतना नीचे कि प्लांट्स की रूट्स उसको ले भी नहीं सकती। सो वो न्यूट्रिएंट लॉस है। इन दो प्रॉब्लम्स को बेसिकली एड्रेस किया गया। एक तीसरी प्रॉब्लम भी है सॉइल इरोजन की, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये दो प्रॉब्लम काफी इम्पॉर्टेंट थी कि जिससे किसान का फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा लगता था सॉइल में, पानी ठीक से नहीं मिल पाता था, फसल खराब हो जाती थी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं आता था। सो एक्वाजेल जो है वो छोटे छोटे दाने हैं व्हाइट कलर के, और एक एक दाना अपने वजन के 500 गुना, 500 टाइम्स तक वाटर अब्सॉर्ब कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर आपने पानी के अंदर एक्वाजेल का दाना डाल दिया, तो वो अपने वजन के 500 गुना तक पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। सो आप समझिए कि जब वो पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है, मान लीजिए पानी के साथ आपने, मान लो कभी हम सपोज डेमो करके देखना चाहें, तो हमने गिलास लिया, गिलास में पानी डाला, पानी में आप चाहे तो थोड़ा ह्यूमिक भी मिला सकते हो। सो अभी जो सॉल्यूशन है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब आप एक्वाजेल उसमें डालोगे तो वो ना सिर्फ पानी को अब्जॉर्ब करेगा, बल्कि साथ में ह्यूमिक को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो होता क्या है, जब हम लोग एक्वाजेल को सॉइल में अप्लाई करते हैं एंड वहां पे जो फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, वहां पे जब हम पानी लगाते हैं, तो एक्वाजेल वो सारे न्यूट्रिएंट्स एंड पानी उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और जेल टाइप की फॉर्मेशन बना देता है। अब क्या होगा, ये जो पानी की जो जेल बन गया है, ये ना तो मिट्टी में नीचे जाएगा, ना ही ये ऊपर इवेपोरेट होगा, सूरज ज्यादा भी नहीं ले सकते इसको, एंड धरती माता इसको सिर्फ कौन लेगा, इसको सिर्फ प्लांट की रूट्स ही ले सकती हैं, बाकी और कोई नहीं लेगा। तो जहां पे हमें पहले ड्रॉट की प्रॉब्लम्स आती थी, वहां पे ड्रॉट की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसको हमें समझना है तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि घरों में हम लोगों के यहाँ पे हमने एक दिन पानी दिया और 10 दिन के लिए हम बाहर चले गए, तो 10 दिन तक उसको पानी कौन देगा? सो हम वहाँ पे एक्वाजल पहले से डाल के रखें, हमने एक दिन भी अगर पानी दिया तो एक्वाजल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी अगले 10-15 दिन तक प्लांट्स को पानी मिलता रहेगा, आप चाहे नहीं भी डालेंगे तो भी। सिमिलरली, जब आप इसको फील्ड्स में यूज करेंगे, तो फील्ड्स को, प्लांट्स को पानी एंड न्यूट्रिएंट्स बराबर मिलता रहेगा। आप अपने पानी को 50% तक सेव कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को 40% तक सेव करता है, एंड एक बार भी डालेंगे तो पूरी क्रॉप में काम करता है, एंड 1 से 2 किलो पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया जाता है। जब आप फसल के लिए मिट्टी तैयार करते हैं स्टार्टिंग में, तभी आप इसको मिलवा के डाल लें किसी भी चीज में, चाहे
चाहे खाद में मिला के, चाहे गोबर की खाद में मिला के डाल दें, और पूरी क्रॉप में ये अपना रिजल्ट बराबर देता रहेगा। स्पेशली जो लोग पैडी की क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, या फिर कोई लोग कॉर्न कर रहा है, मक्का जिसको बोलते हैं, या कोई और क्रॉप भी कर रहा है, तो आप लोग स्पेशली इस प्रोडक्ट का प्रयोग वहां पे करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो एग्री एक्वाजेल में आप सभी लोग सुना, जैसे एग्री एक्वाजेल पानी को एफिशिएंसी बढ़ा देगा और उसके साथ साथ खाद को एफिशिएंसी भी बढ़ा देगा। जैसे पानी को शिवम जी जैसे बोला, जो पानी के ऊपर चला जाता है वोलेटाइलाइज लॉस होता है, नीचे चला जाता है, इस तरफ खाद भी नीचे चला जाता है, खाद पानी के साथ मिलकर नीचे चला जाता है वो भी रोक देगा, और खाद ऐसे धो के बाहर चला जाता है उसको राना फ्लश कहते हैं वो भी रोक देगा, और खाद भी वोलेटाइलाइज लॉस होता है, जैसे अमोनिया गैस फॉर्म पे लॉस होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो डालता है, नाइट्रोजन खाद डालता है वो भी रोक देगा, उसके साथ साथ जो फॉस्फाटिक फर्टिलाइजर जो होता है वो फिक्स हो जाता है, जैसे एसिड मिट्टी, ऐसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में एसिड सॉइल होता है वो फिक्स हो जाता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम के साथ साथ, और जिधर अल्कलाइन सॉइल होता है वो कैल्सियम के साथ फिक्स हो जाता है, बट जब एक्वाजेल रन ऑफ लीचिंग और सीपेज ये पांच तरफ लॉस होता है, किसी चीज में लॉस नुकसान आपको नहीं होगा इस चीज के बाद, एग्री एक्वाजेल डालने के बाद। इसके साथ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है, पहले तो एक्टिवेटर कैटेगरी में एग्री 82 था, अभी एक्वाजेल आ गया, तो एक्वाजेल डालेगा तो एग्री 82 नहीं डालना चाहिए, और दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि 82 तो हम ऑलरेडी डाल रहे थे, उसको भी तो हम एक्टिवेटर बोलते थे, सो एक्वाजेल क्यों डाले, या फिर पानी एब्जॉर्ब पानी हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी तो 82 डालते थे, एक्वाजेल क्यों डाले। सो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, मतलब कि 82 जो था वो अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता था, वो वाटर को पेनिट्रेट करने में मदद करता था ताकि पानी मिट्टी के अंदर अच्छे से पहुंच सके, बट एक्वाजेल जो है वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, एंड कितना, अपने वजन के 500 टाइम्स तक, दैट मीन्स एक्वाजेल की कैपेसिटी उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ये 500 टाइम्स तक वाटर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। नंबर टू कि ये न्यूट्रिएंट्स को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब करके रख रहा है, राइट। दूसरी चीज ये कि जब हम एक्टिवेटर की बात करते हैं तो एक्वाजेल जो है वो बेसिकली सॉयल के लिए है ना, सॉयल को एक्टिवेट कर रहा है, राइट। जब हम 82 की बात करते हैं तो 82 हम हमेशा स्प्रेज में ज्यादा प्रेफर करते हैं। 82 क्या है, वो सिर्फ एक्टिवेटर नहीं बोलते 82 को, 82 को हम बोलते हैं स्प्रेडर, 82 को हम बोलते हैं वेटर, दैट मींस जब भी हम कोई स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे करने के लिए हम लोग आज भी 82 का ही प्रयोग करेंगे, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पत्ते के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो सके, फैल सके, पत्ते की सरफेस को पूरी तरीके से गीला कर सके, राइट, उसको दवाई को पत्ते के अंदर पेनिट्रेट कर सके। तो अभी हमारे पास, अगर हमें हमारे यहाँ पे सॉइल की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हैं, हमारे यहाँ ड्रॉट बहुत ज्यादा आता है, हमारे यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आती है, तो स्पेशली हम एक्वाजेल पे ही फोकस करें सॉइल के लिए, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, एंड जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के लिए हमेशा फिर 82 के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप स्प्रे नहीं कर सकते एक्वाजेल का, एक्वाजेल सिर्फ सॉइल में ही यूज हो पाएगा। तो और एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करता है, एक्वाजेल को थोड़ा गीला करके मिट्टी के अंदर डालता है, मिट्टी के डालता है, तो वो तो पूरा गलत है ना, एक्वाजेल तो सूखा डालना चाहिए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए एक्वाजेल को आपको सूखा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गीला करके डालेंगे तो हाथ में ही जेल बन जाएगा। सपोज आप एक्वाजेल के दानों के साथ पानी मिला देते हैं या कोई लिक्विड मिला देते हैं तो वो हाथ में गीला हो जाएगा, वो जो लिक्विड होगा उसको एब्जॉर्ब करके जेल बन जाएगा, हालांकि एकदम बहुत ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि उतना लिक्विड आप नहीं मिलाओगे, बट थोड़ा थोड़ा जेल बन जाएगा, जो कि सही नहीं है। आप सूखे को ही डालो मिट्टी में, एंड बाद में सॉइल के ऊपर पानी अप्लाई करो, उस समय भले ही आप लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स पानी के साथ दे सकते हो, आप 82 भी दे सकते हो या मार्केट का भी कोई प्रोडक्ट दे सकते हो, बट हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसको सॉलिड फॉर्म में, सूखे वाली फॉर्म में ही अप्लाई करें, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद मैं आता हूँ प्लांट प्रोटेक्शन का कैटेगरी के अंदर। जो प्लांट प्रोटेक्शन कैटेगरी के अंदर मेरे पास प्रोटेक है, आप जैसे पहले बोला, तो प्रोटेक
में किस तरीके से यूज कर सकता है, और बाहर बहुत सारे ऐसे केमिकल फंजीसाइड है, केमिकल फंजीसाइड से मेरा प्रोटेक्ट जो है वो किस तरीके से अलग है और किस तरीके से यूज कर सकता है, वो आपको जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। देखो उससे पहले एक आनंद शाह जी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, जिन्होंने लिखा कि सर एक्वा जेल क्या कोई बायोडिग्रेड है या कोई क्या सिंथेटिक। देखो हमेशा ध्यान रखना एग्री एक्वा जेल जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है एंड बायोडिग्रेडेबल है, मतलब धीरे 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 ये आपकी मिट्टी में से खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी रेसिड्यू आपकी मिट्टी में नहीं रहेगा। सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, किसी प्रकार का कोई केमिकल रेसिड्यू उसके अंदर नहीं रहेगा, तो उस बात को लेके आप निश्चिंत रहें। अब हम प्रोटेक्ट पे आते हैं। देखो प्रोटेक्ट जो है, प्रोटेक्ट पहले उसको बायोफंजीसाइड के नाम से हमने लॉन्च किया था, बाद में नाम चेंज कर दिया। अभी देखिए होता क्या, अभी जैसे कोरोना फैल रहा है, के लिए हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन क्या करेगा, हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगा कि वायरस का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं इनोक्यूलेशन। आपकी बॉडी इनोक्यूलेट कर दी जाएगी, इनोक्यूलेशन किया जा रहा है, राइट। हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कवच बनाया जा रहा है कि वायरस आपके ऊपर असर ना करे। सेम थिंग इज विद प्लांट्स। अभी प्लांट्स के ऊपर फंगस का अटैक हो रहा है, अलग अलग बीमारियों का अटैक हो रहा है, तो प्रोटेक्ट के अंदर क्या है, प्रोटेक्ट के अंदर एक बैक्टीरिया, जैसे ही आप उसको मिट्टी में अप्लाई करोगे तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ मिट्टी के एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जाएगी, और वहां पे उनकी ये वाला जो बैक्टीरिया है, दिस इज गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आप सबको मालूम है दो प्रकार के हो सकते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। सो ये इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी वहां पे मिट्टी में कि ये मिट्टी को एक प्रकार से इनोक्यूलेट कर देगा या एक कवच बना देगा, ताकि बीमारी फैलाने वाली फंगस उसके ऊपर असर ना कर पाए। या हमने अगर सीड्स को ट्रीटमेंट किया था या रूट्स में डाला था, तो वहां पे भी एक ऐसा कवच बना देगा जिससे कि फंगस फैलाने वाली जो कीटाणु है वो असर नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा ध्यान रखें, ऐसे प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा यूज तब होता है जब हम उनको प्रिवेंशन के तौर पर यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे शुगर केन का जो क्रॉप होता है उसमें हर साल एक प्रॉब्लम आता है कि शुगर केन के बीच में लाल लाल रंग की धारियां बन जाती हैं, रेड रोट की प्रॉब्लम आती है, फंगस की प्रॉब्लम है, और उसको ठीक भी नहीं कर पाते लोग, चाहे केमिकल फंजीसाइड ही क्यों ना डाल दें। क्योंकि हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सपोज आपके फील्ड में पिछले साल प्रॉब्लम आई थी, तो दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो जिस क्रॉप में प्रॉब्लम आई थी वही सीड आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगर आप वही सीड इस्तेमाल कर लोगे तो आप फिर कोई भी प्रोडक्ट डाल देना आपके क्रॉप में बीमारी आएगी ही आएगी, चाहे आप फिर केमिकल डालना चाहे फिर आप बायो डालना। नंबर टू, जिस मिट्टी में पिछले साल प्रॉब्लम आई थी, है ना, ये सिर्फ शुगर केन का नहीं, हर क्रॉप का है, जिस मिट्टी में पिछले साल फंगस की प्रॉब्लम आई थी उस मिट्टी का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस साल आपकी फसल में प्रॉब्लम्स ना आए, फंगस की प्रॉब्लम्स ना आए या और भी प्रॉब्लम्स ना आए, तो आप अपनी मिट्टी का ट्रीटमेंट जरूर करें प्रोटेक्ट के साथ। शुरू में ही जब आप खेत तैयार कर रहे हैं उसको गोबर की खाद में मिला के डाल लें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे आपकी मिट्टी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड जब आप बीज लगाते हैं तो बीज को भी 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कोटिंग करके, ट्रीटमेंट करके आप उस बीज को लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छे तरीके हैं। इनकेस ये वाले टाइम निकल चुका है, आपकी फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, अभी भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तब फिर आप स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल यही होगा कि आप शुरू से ही मिट्टी ट्रीटमेंट एंड बीज ट्रीटमेंट जरूर करें। एंड आप हमेशा ध्यान रखें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो किसी प्रकार का कोई रेसिड्यू नहीं आता। केमिकल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो फसल में रेसिड्यू छोड़ते हैं एंड मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी खराब करते हैं, फसल की न्यूट्रिशन वैल्यू को भी खराब करते हैं। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आज के टाइम में गवर्नमेंट भी जो है वो धीरे धीरे केमिकल्स को खत्म करके धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ ही जा रही है। सो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक की तरफ ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो जाए। जी वासुदेव जी, और इधर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोटेक्ट भी डालता है, उसके साथ किसान लोग भी जो केमिकल जो फंजीसाइड है वो भी डालता है, तो दोनों एक साथ की डालना चाहिए ना, जरूरत नहीं है उसके लिए, आप क्या बोल? नहीं देखिए, अगर हम केमिकल फंजीसाइड भी डाल रहे हैं बायो फंजीसाइड भी डाल रहे हैं, हम दोनों को मिक्स करके नहीं डाल सकते। हाँ आप ये जरूर कर सकते हो कि आपने मिट्टी में ट्रीटमेंट कर लिया था बायोफंजीसाइड से, आपने बीज का ट्रीटमेंट कर लिया था बायोफंजीसाइड से, आपकी क्रॉप बड़ी हो गई है, अभी आपको अगर लग रहा है कि कुछ बीमारी फैल गई है, तो आप भले ही तब वहाँ पे हालांकि बीमारी फैलेगी नहीं अगर आपने
बायोफंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट एंड सॉइल ट्रीटमेंट किया होगा, बट इनकेस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बाद में केमिकल फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि केमिकल फंजीसाइड केमिकल्स को यूज करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो हमें यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फैल जाए तो, है ना। अगर आप पहले से एडवांस में बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज करना शुरू कर देंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो एक साथ मिक्स करके नहीं डालना है बायो फंजीसाइड एंड केमिकल फंजीसाइड को, अलग अलग टाइम पे फिर भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो। ओके, अभी जो पौधा का हेल्थ था, जो प्लांट हेल्थ, उधर से मैं शिफ्ट करता हूँ सॉइल हेल्थ के लिए। जो जैसे अभी दोनों चीज अलग है, मिट्टी का पैदावार, जो पैदावार अलग है और मिट्टी का हेल्थ, हेल्थ कैसे है। तो पैदावार हेल्थ मेरे को दोनों चाहिए, तो दोनों बराबर करने के लिए मेरे पास कैटेगरी प्रोडक्ट है ह्यूमिक और है गोल्ड और भी है नैनोटेक। तो पहले मैं आता हूँ ह्यूमिक के बारे में, तो मेरे पास जो ह्यूमिक है वो क्या है, वो मैं किस तरीके से यूज कर सकता। देखिए वासुदेव जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आप लोग जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, अब अगली 3-4 लाइनें जो मैं बोलूंगा उनको बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। जब हम हेल्थ की पैदावार मीन्स कि आपकी मिट्टी से कितना अनाज उगेगा, है ना, वो पैदावार है। बट हेल्थ इज डिफरेंट। सपोज इंसान की हेल्थ की बात करते हैं, एक आपकी फिजिकल हेल्थ है कि आप कितना दौड़ सकते हो, कितना भाग सकते हो, ये सब, राइट। एक आपकी केमिकल हेल्थ है, या फिर बायोलॉजिकल हेल्थ बोल सकते हो, कि आपकी बॉडी में प्रोटीन कितना है, आपकी बॉडी में विटामिन कितना है, आपकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में चेक कर सकते हैं। नंबर 3 इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी सॉइल की जब हम बात करते हैं ना, तो सॉइल में हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई हमारी मिट्टी चिकनी है क्या, हमारी मिट्टी दोमट है क्या, इस तरीके से हम सॉइल की प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि केमिकल हेल्थ जब चेक करते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी के अंदर पोटेशियम कितना है, ना 17 न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चेक करते हैं हम, मिट्टी का पीएच लेवल चेक करते हैं हम कि हमारी मिट्टी में सारे पोषक तत्व हैं कि नहीं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, आजकल लोगों का फोकस सिर्फ इसी पे रह गया कि हमारी मिट्टी की फिजिकल हेल्थ कैसी है, केमिकल हेल्थ कैसी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बायोलॉजिकल हेल्थ। क्या आपकी मिट्टी के अंदर गुड बैक्टीरियाज हैं, क्या आपकी मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म्स हैं। और आप देखेंगे कि आज के टाइम में अर्थवॉर्म्स, गुड बैक्टीरियाज, ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। क्यों खत्म हो चुकी हैं? क्योंकि हम इतने सालों से केमिकल्स यूज करते हुए आ रहे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरीज यूज करते हुए आ रहे हैं, तो अर्थवॉर्म्स कैसे बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे मशीनरीज का यूज करने से। सो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, बायो प्रोडक्ट जो हैं, ह्यूमिक स्पेशली, जब हम ह्यूमिक की बात कर रहे हैं, वासुदेव जी ने ह्यूमिक का ही क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मिट्टी की बायोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। आप देखेंगे जिन लोगों ने कंटिन्यूसली अपनी मिट्टी में एग्री ह्यूमिक का प्रयोग किया है, आज उनकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, पोरस, इंग्लिश में बोलते हैं पोरस है, भुरभुरी है। आज उनकी मिट्टी की पैदावार करने की क्षमता तो बड़ी ही है, बट मिट्टी के अंदर गुड बैक्टीरियाज, अर्थवॉर्म्स के लिए कंडीशंस भी अच्छी हो गई, तो उनकी मिट्टी के बायोलॉजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है। सो ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहा है मिट्टी की, उसकी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी करने की पावर को भी बढ़ा रहा है, एंड साथ में ये आप यकीन मान के चलो, अगर हेल्थ अच्छी हो गई ना तो ऑटोमेटिकली पैदावार भी अच्छी हो ही जाएगी। आपकी अगर हेल्थ अच्छी हो तो आपका भी आउटपुट इम्प्रूव होगा। सिमिलरली अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पैदावार भी बढ़ेगी। सो बायो प्रोडक्ट्स हैं टोटली, एंड ना सिर्फ फिजिकल, एंड देखो मैंने बोला कि मिट्टी भुरभुरी हो गई, सॉफ्ट, दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हुई। मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पौधे को पहुंचेंगे, दैट मीन्स केमिकल हेल्थ इम्प्रूव हो गई। बट जब मैंने बोला कि मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म्स अच्छे से बन पा रहे हैं, जब मिट्टी के अंदर गुड बैक्टीरियाज अच्छे से बन रहे, दैट मीन्स बायोलॉजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। सो हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहा है एंड पैदावार भी बढ़ा रहा है। जी, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, जे ह्यूमिक कब डालना चाहिए, कौन सी टाइम बेस्ट? वेरी गुड जी, ये क्वेश्चन देखो हमेशा आप जब भी आप लोगों ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, या वासु जी की या मनीष जी किसी की भी अटेंड की होगी, हम लोग अलग अलग तरीके बताते हैं हम
मिट्टी में डालने का तरीका भी बताते हैं हम, बीज उपचार का भी बताते हैं, स्प्रे का भी बताते हैं, पानी के साथ डालने का भी बताते हैं। बट आप सोचिए कि जब मैंने बोला कि एग्री ह्यूमिक सॉइल की हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, दैट मीन्स एग्री ह्यूमिक जो है वो स्पेशली सॉइल के लिए, स्पेशली एंड स्पेशली आप, अगर आपको सॉइल की हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक तो आप उसको सॉइल प्रिपरेशन के टाइम डाल लें, है ना, जब भी कोई क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप लगाने से पहले ही मिट्टी में डाल लें अपनी कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए। टेक्निकल भाषा में बोले तो जब प्लांट्स के ऊपर 4 to 5 लीव्स आ चुकी हैं तब जरूर डालें। ये दो टाइमिंग ऐसी हैं, एक सॉइल प्रिपरेशन के टाइम या फील्ड प्रिपरेशन के टाइम, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं, फील्ड में जुताई कर रहे हैं तब, एंड नंबर टू जब आपकी क्रॉप पे 4 to 5 लीव्स आ चुकी हैं। ये दो कंडीशंस में ह्यूमिक जरूर डालें ताकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो एंड आपकी पैदावार भी अच्छी आए। आई होप डोज आपको मालूम होगी, ग्रैनुअल्स की जो डोज होती है वो 5 kg पर एकड़ की होती है, एंड एग्री ह्यूमिक की डोज आप 250 से लेके 500 ml पर एकड़ तक यूज कर सकते हो। तो अभी गोल्ड के बाद और जो न्यूट्रिशनल कैटेगरी में जो जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं गोल्ड, ह्यूमिक के छोड़ के गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, तो गोल्ड कौन सी टाइम में आप डालना चाहिए, गोल्ड के अंदर क्या है और वो गोल्ड किस तरीके से आपको पौधा को सहायता कर सकते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए गोल्ड जो है गाइस, टॉक शॉप आना एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब देखो यूजुअली जब बासु जी भी ट्रेनिंग करते होंगे या मैं भी ट्रेनिंग करते होंगे, हम लोग गोल्ड को समझाते भी होंगे, बट जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में जब कोई पूछा जाता है कि भाई गोल्ड क्या है, तो उसको बताने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। मान लीजिए आज मुझसे कोई पूछ रहा है कि एग्री गोल्ड एक्चुअली में है क्या, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं आमतौर पे इसको शॉर्टकट में इसको स्पिरुलिना बोलता हूँ, स्पाइरोलिना में इसलिए बोलता हूँ इसको क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। स्पाइरोलिना क्या है, स्पाइरोलिना मीन्स जो हमें ग्रोथ, हमें एनर्जी भी देता है एंड हमें इम्यूनिटी भी देता है रोगों से बचाने के लिए। सिमिलरली प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को ग्रोथ भी चाहिए, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके एंड प्लांट्स बीमारियों से और कीड़ों से भी बचे रहें। तो एग्री गोल्ड का अगर कभी आप कंपोजिशन चेक करेंगे, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा उन्होंने देखा होगा, एग्री गोल्ड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, नंबर टू इसके अंदर एक करंज प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। करंज नीम के जैसा ही एक पौधा होता है, जंगलों में आयुर्वेद में यूज किया जाता है, सो उसका एक्सट्रैक्ट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज नीम के पौधे के जैसे होती है। तो बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया इज अ ग्रोथ प्रमोटर, वो पौधे की ग्रोथ को इम्प्रूव करने का काम करता है एंड करंज प्लांट जो है वो पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बीमारियों से एंड इवन अप टू एक कीड़ों से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो गोल्ड इज अ काइंड ऑफ ऑलराउंडर प्रोडक्ट, ऑलराउंडर प्रोडक्ट है इसलिए मैं स्पिरुलिना बोलता हूँ। और इसके सारे कामों को अगर मिक्स कर दें तो आप इसको स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हो कि प्लांट्स में कभी भी कोई स्ट्रेस आएगा तो उस स्ट्रेस से बचाने के लिए हम गोल्ड का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस कब आता है, सूखा पड़ने से, बारिश ज्यादा होने से, मौसम की वजह से हम कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी आपने कोई हर्बिसाइड केमिकल स्प्रे कर दिया, आपकी फसल जल गई, तो रिकवरी हमें करनी है, हमारे फ्लावर्स ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रूट ड्रॉप कर रहे हैं, सो इन सब कंडीशंस में आप एग्री गोल्ड का यूज करवा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें आपके प्लांट्स जब जर्मिनेट होने के बाद, मतलब सेट हो चुके हैं, आपकी क्रॉप जो है वो एटलीस्ट उस पर 4 to 5 लीव्स आ चुके हैं, उसके बाद आप एग्री गोल्ड का प्रयोग कभी भी कर सकते हो। 4 to 5 लीव्स जब आ चुके हैं प्लांट्स में, उसके बाद आप गोल्ड का प्रयोग कर सकते हो, बिफोर फ्लावरिंग कर सकते हो, आफ्टर फ्लावरिंग कर सकते हो, फ्रूट सेटिंग के टाइम कर सकते हो, गोल्ड का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। सॉइल में डलवा सकते हैं, स्प्रे में डलवा सकते हैं एंड पानी के साथ इरिगेशन में डलवा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में डलवा सकते हैं। 100 ग्राम का पैकिंग है और 1 एकड़ के लिए काम करता है, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है और मैजिकल प्रोडक्ट है। एंड कभी आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि मेरे को क्या देना है, तो आप आंख बंद करके एग्री गोल्ड दे सकते हो, ये मैं कहता हूँ सबको, इसलिए मैं उसको स्पाइरुलिना बोलता हूँ। इवन जिन लोगों के घर में पौधे हैं वो लोग भी एग्री गोल्ड का यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। बहुत बढ़िया, तो आप सभी लोग सुन लिया जो एग्री गोल्ड का काम क्या है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ
ज्यादा से ज्यादा एग्री गोल्ड यूज करने के लिए। तो एग्री गोल्ड, एग्री गोल्ड के बाद और मेरा एक प्रोडक्ट है जो फ्लावरिंग के लिए, फूल आने वाला, फूल आने के लिए। तो दोनों अलग तरह होता है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो पौधा को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट मीन्स कुछ नया चीज आया, तो वो करने के लिए जो चीज का जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं मॉस। तो मॉस क्यों यूज करेगा, कौन सा टाइम यूज करेगा, उसको डोज कितना रहेगा। देखिए बहुत अच्छा बोला वासुदेव जी ने। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से चैट बॉक्स में। विनय कुमार सिंह जी ने लिखा कि सर बिहार में गोल्ड नहीं मिलता। देखो गोल्ड जैसे कि मैंने बताया, गोल्ड के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है राइट, एंड उसके लिए, उसको सेल करने के लिए डीएलसीपी को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए और जो लोग इतने टाइम से ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको तो पता भी होनी चाहिए। सो वो लाइसेंस हर डीएलसीपी के पास नहीं है, बिहार में तो किसी के पास नहीं है, ब्रांच के पास है सिर्फ, एंड महाराष्ट्र में कुछ डीएलसीपीज के पास है, महाराष्ट्र से भी किसी ने लिखा है। सो बट ब्रांचेस के पास भी है, तो ब्रांचेस से हमेशा गोल्ड अवेलेबल रहेगा। मान लो आप पटना ब्रांच से लेना चाहो आपको हमेशा गोल्ड मिल जाएगा। आपको अगर स्पेशली चाहिए कि भाई मेरे को 60-70 पैकेट चाहिए, 100 पैकेट चाहिए, तो आप स्पेशली वहाँ पे ऑर्डर भी लगा सकते हो, ब्रांच में डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हो। ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से भी गोल्ड अवेलेबल है, सो वो वाला ऑप्शन भी हमेशा खुला है राइट। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे डीएलसीपी वालों को भी लाइसेंस दिलवाया जाए, फिर गोल्ड सब जगह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। गौतम जी ने लिखा कि झारखंड में है कि नहीं, झारखंड में है राइट। हम लोग बात कर रहे थे मॉस की। दोस्तों मॉस जो है, अभी जैसे बासु जी बोल रहे थे, एक होती है ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स पौधे की जड़ों का विकास, वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं उसको, पौधे की जड़ों का विकास हो रहा है, पत्तियां बढ़ रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, एंड जब पौधा पूरा बड़ा हो जाता है तब होता है डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कुछ। पहले कलियां आएंगी, बर्ड्स आएंगी, उससे फ्लावर बनेंगे, फ्लावर्स के बाद फ्रूट बनेगा राइट। और फ्लावर से फ्रूट बनने में भी एक प्रोसेस होगी, पॉलिनेशन होगा है ना, मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, पॉलिनेशन होगा, तब फिर फीमेल फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाएगा। तो आप लोग हमेशा अपने ऊपर भी लेके समझो चीजों को। जब हम मतलब जब बच्चा पैदा करने वाली जब अवस्था आती है तो हमें हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है स्पेशली। अगर वो हार्मोन्स सही से सिक्रेट ना हो तो हम भी कुछ बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। सेम केस इज विद प्लांट्स। जब वहाँ पे प्रोडक्शन का टाइम आता है तो वहाँ पे सही हार्मोन्स का निकलना बहुत जरूरी है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलना बहुत जरूरी है। तो एग्री मॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, ताकि कलियां ज्यादा निकलें, कलियों के से फ्लावर अच्छे से बने, फ्लावर्स का ड्रॉप ना हो, फ्लावर्स का पॉलिनेशन अच्छे से हो, फ्लावर्स का फ्रूट में कन्वर्जन अच्छे से हो, फ्रूट की क्वालिटी अच्छे से आए, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, इन सब चीजों पर। तो अगर हमें फ्रूट एंड फ्लावर्स पर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो उसके लिए फ्रूट एंड फ्लावर्स पर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो हम मॉस का प्रयोग करें। एंड उसको सिर्फ स्प्रे में प्रयोग किया जाता है, आप बिफोर फ्लावरिंग उसका स्प्रे कर लो एक बार 15-20 डेज बिफोर फ्लावरिंग, देन उसके बाद भी अगर आप करना चाहें, जैसे सब्जियों की फसलें होती हैं उसमें लगातार फ्लावर्स वगैरह आते रहते हैं, फ्रूट पिक करते हैं फिर फ्लावर्स आते हैं, तो आप 20-20 डेज के इंटरवल पे आगे भी स्प्रे कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्प्रे आप फ्लावरिंग आने के 15-20 डेज पहले कर लें। तब नहीं भी कर पाए, फ्लावर आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो भी आप स्प्रे कर सकते हो 15 लीटर के टैंक में 20 ml। जी वासुदेव जी। ओके बहुत बढ़िया। तो पहले आप गोल्ड के बारे में बोला, अभी मॉस के बारे में बोला, तो गोल्ड और मॉस दोनों एक साथ मिक्स हो सकता है कि मिक्सर करके यूज कर सकते हैं? देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बहुत बार लोग पूछते भी हैं। हमेशा ध्यान रखिए, वेस्टर्न में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें दो चीजें आपको नहीं करनी है। एक एग्री 82 के साथ सीड ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है, एंड नंबर टू मॉस और गोल्ड को मिक्स नहीं करना है। तो कभी कभी, हालांकि हर क्रॉप के साथ ये सही नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ क्रॉप में वहाँ पे कंपेटिबिलिटी का इशू आ जाता है, सो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। सो मॉस और गोल्ड को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड इसको डिफरेंस देखो आप कैसे करोगे। सपोज आप यहाँ पे फ्लावर्स आने वाले हैं, सब कुछ सही चल रहा है, आप चाहते हैं फ्लावर्स ज्यादा आए, फ्लावर्स से फ्रूट ज्यादा है, तो आप मॉस का स्प्रे करवाओ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लावर्स आ चुके हैं बट फ्लावर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, फ्लावर्स झड़ रहे हैं, तो
तो फ्लावर्स झड़ने का कारण सिर्फ मतलब कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है कोई कीड़ा लगना शुरू हो रहा हो सकता है कोई बीमारी लगनी शुरू हो रही हो सकता है कोई क्लाइमेटिक स्ट्रेस हो। अगर फ्लावर्स ड्रॉप कर रहे हैं तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा गोल्ड का प्रयोग करें, तो दोनों को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कंडीशन के लिए आप दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं एक टाइम। और दोनों यूज करने का बीच में गैप कितना दिन रहना चाहिए? एटलीस्ट 4 to 5 days इतना गैप होना चाहिए। मेरे पास और लास्ट एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं नैनोटेक। और नैनोटेक क्या है, नैनोटेक क्यों यूज करेगा? बहुत सारे तो किसान लोग ऐसे पूछेगा, मेरे बाहर तो बहुत सारे खाद भी है, सब कुछ है, तो नैनोटेक क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए नैनोटेक का जरूरत क्यों पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड नैनोटेक हमेशा याद रखिएगा, फसल को टोटल मिला के 17 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से 3 बेसिक होते हैं, फिर 3 प्राइमरी होते हैं, 3 सेकेंडरी होते हैं, 9 हो गए, बाकी 8 जो होता है वो माइक्रो होते हैं। किसान का फोकस पूरी तरीके से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पे है, एनपीके। किसान यूरिया डाल रहा है नाइट्रोजन देने के लिए, डीएपी डाल रहा है फॉस्फोरस देने के लिए, पोटाश डाल रहा है पोटेशियम देने के लिए, एनपीके को ही वो सब कुछ समझ रहे हैं। बट फसल को कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, फसल को बोरोन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और किसान इतने सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग लेके नहीं आ सकता, बहुत लोगों को तो नॉलेज भी नहीं है। सो नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, अपनी तरफ से भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है वो। और मैं आपको बहुत शॉर्टकट में नैनोटेक समझा रहा हूँ, आप 3 चीजें याद रखें नैनोटेक के लिए, तीन तीन चीजें फिंगर टिप्स पे। नंबर एक, सॉयल, जिनके यहाँ पे सॉयल बंजर है, जिनके यहाँ पे सॉयल फर्टिलिटी कम है, वो लोग सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नैनोटेक जरूर यूज करें, सॉयल को अच्छा करेगा, वो न्यूट्रिशन देगा। नंबर टू, लीव्स, लीव्स मतलब कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जहाँ पे लीव्स ही सब कुछ हैं, जैसे चाय पत्ती की फसल, जैसे एलोवेरा, जैसे कि पान, जैसे कि पेपरमिंट, जैसे कि टोबैको, ऐसी फसलें जहाँ पे लीव्स ही सब कुछ है। तो नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन की रेट को बढ़ा देता है। आई होप आप क्लोरोफिल समझते होंगे सब लोग, क्लोरोफिल मीन्स जिसकी वजह से पत्ते ग्रीन रहते हैं। सो पत्तों की सरफेस चौड़ी हो जाती है नैनोटेक यूज करने से, मोटाई अच्छी आती है ताकि तेल ज्यादा निकले, पत्तियां ज्यादा अच्छी आती हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी आती है। तो पत्ते वाली फसलों में आप स्पेशली नैनोटेक का यूज करा सकते हैं, टी प्लांटेशन में स्पेशली करा सकते हैं, पान पान का चास जो होता है ना, पान के चास में स्पेशली यूज करा सकते हैं, मेंथा में करा सकते हैं, टोबैको में करा सकते हैं। बहुत लोग मुझसे मशरूम के बारे में पूछते हैं, मशरूम में भी मैं नैनोटेक बोलता हूँ करवाने के लिए। देन नंबर थ्री, फ्रूट्स, हमेशा ध्यान रखिए। आते हैं, या जैसे लीची आजकल तो फट गई तो उसका वैल्यू खत्म हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे अमरूद बन रहा है बट अंदर से सड़ रहा है। तो फ्रूट्स की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपकी फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं कि नहीं। नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप डालेंगे तो आपके फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रूट सेटिंग पे उसका प्रयोग जरूर करें, जैसे आम बनने शुरू हो रहे हैं तब यूज कर सकते हो, लीची बननी शुरू हो रही है तब कर सकते हो। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई नैनोटेक के लिए, सॉयल में जरूर यूज कर सकते हैं आप, लीव्स वाली फसल पे जरूर यूज कर सकते हैं, एंड फ्रूट्स की क्वालिटी। फ्रूट्स मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आम और लीची, फ्रूट्स मीन्स अगर आपका आपने पैडी की क्रॉप की है, अब पैडी की क्रॉप में दाना बनने वाला है, राइट, बाल आ चुके हैं, दाना बनने वाला है, आप चाहते हो कि दाने में चमक अच्छी आए, दाने का साइज अच्छा आए, उसका कलर अच्छा है, तो भी आप पैडी में भी करवा सकते हो। आप मक्का की फसल कर रहे हो तो मक्का में मक्का का दाना बढ़िया बने, दाने ज्यादा बने, मान लो आपका मक्का इतने बड़े साइज का बन रहा है उसमें दाने हैं नहीं, तो फिर आप क्या बेचोगे, कुछ उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो दाने उसके अंदर अच्छे से बने, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए भी हम नैनोटेक का यूज करा सकते हैं। तो स्प्रे में कराओगे 1 to 2 ग्राम पर लीटर, एंड मिट्टी में डालना है तो 500 ग्राम प्रति एकड़। 1 लीटर पूछा बानीव्रत दास अधिकारी नाम से, जे जड़वा अगर पच जाएगा तो क्या देना चाहिए, क्या पक जाएगा तो क्या डालना पड़ेगा, रूट, ऐसे रूट रॉट हो गया, रूट रॉटिंग के लिए क्या डालना पड़ेगा? देखो रूट रॉट्स अगर हो रहे हैं तो रूट रॉट के लिए आप पहले से एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग करके चलें, राइट, आप पहले से एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग करके चलेंगे, ट्रीटमेंट करके चलेंगे, तो इस टाइप की समस्याएं नहीं आएंगी।
बाई चांस हो सकता है अगर आपके यहाँ समस्या आ चुकी है, अगर समस्या बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तब तो मैं आपको बोलूंगा फिर आप वहां पे केमिकल का यूज कर लो। बट अगर समस्या जस्ट स्टार्ट हुई है ना, जस्ट आपको दिखनी स्टार्ट हुई है, हल्का हल्का सी सिम्टम है, तो आप वहां पे प्रोटेक गोल्ड 82 ये तीन चीजें मिला के स्प्रे करो। 15 लीटर के टैंक में 40 ग्राम प्रोटेक, 20 ग्राम गोल्ड, 10 ml 82 एंड आफ्टर 5 to 6 डेज स्प्रे को रिपीट करो, दो स्प्रे करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा फैल गया तब आप फिर केमिकल को देख सकते हैं, हालांकि केमिकल भी इफेक्टिव होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे कंडीशन क्या है। और जो रूट रॉट होता है वो ज्यादा पानी होने के बारे में होता है, जैसे डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट, ऐसे जब छोटा पौधा है उसी टाइम अगर मिट्टी के अंदर ज्यादा पानी है, ज्यादा गीला है, तो उसके बारे में ज्यादा जो बीमारी फैलने वाला जो फंगस है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके बाद और एक क्वेश्चन आ गया, जैसे एक मिनट बासु इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जैसे बासु जी ने बोला कि रूट रोट क्यों होता है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही मिट्टी में ज्यादा पानी हो जाए, तो अब हमारा ऐसे में अब आप लोग अपने अपना दिमाग लगाओ खुद से, ऐसे में हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो इन कंडीशन से बचा सकता है? Yes. है ना, यहाँ पे आपका काम क्या है, आप लोग जो हमें सुन रहे हैं उनका काम है कि एक एक लाइन जो हम बोल रहे हैं उससे अपने आपको चार इन्फॉर्मेशन देना अलग अलग टाइप की। मान लो बासु जी ने बोला कि पानी ज्यादा होने की वजह से रूट रॉट्स की कंडीशन बन जाती है आगे जाके, सो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ये कंडीशंस नहीं पैदा होना देगा? सोचिए, आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। देखो एक व्यक्ति ने कर दिया, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट है जो ये कंडीशन नहीं पैदा होना देगा, है ना? ये कौन है? अरिफुल जी, इन्होंने आई थिंक लिखा है, आई होप मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ, अमरेश तिवारी जी ने लिखा है एक्वाजल। दैट मीन्स कि अगर आप एक्वाजल पहले से डाल के चल रहे हैं तो कभी भी एक्सेस वाटर वाली कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि एक्सेस वाटर को वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखेगा एंड प्लांट्स धीरे धीरे उससे पानी लेते रहेंगे। तो आप सोचो एक्वाजल एक इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है कि अगर आप उसको डाल देंगे तो शायद आपको प्रोटेक्ट डालने की भी जरूरत ना पड़े अपने आप में, या फिर एक्वाजल आप डालेंगे तो आपके वहां पे फंगस की प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फंगस की प्रॉब्लम एक्चुअली में ज्यादा पानी होने की वजह से ही आती है। सो बहुत इफेक्टिव चीज वहां पे इफेक्टिवली काम। बहुत बढ़िया, आपके पास आंसर भी मिल गया। तो अभी मैं आता हूँ, जो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ नॉलेज आपको मिल गया, अभी मैं शिफ्ट करता हूँ क्रॉप कल्टीवेशन टेक्निक, जैसे जिसको कहता है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। तो पहले सामने आने वाला जो सीजन है उसको कहता है खरीफ सीजन। तो खरीफ मौसम में आपको क्या क्या होता है, चावल होता है और मक्का भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, एक एक करके मैं आऊंगा। पहले इधर एक क्वेश्चन आया, जो प्लांटेशन क्रॉप्स टी, आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए टी के बारे में आपको क्या डालना चाहिए, टोटल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ टी क्या होना चाहिए? देखिए, जो लोग भी टी प्लांटेशन कर रहे हैं उन लोग ह्यूमिक, नैनोटेक एंड 82 ये, हालांकि आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हम किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा इस बेस पर रिकमेंड किया जाता है कि किसान की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो अब टी में फंगस लग रही है तब तो हम प्रोटेक की रिकमेंड करेंगे, या वहां पे कोई क्रॉप जल रही है तो गोल्ड भी आप रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन फिर भी नॉर्मल केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ह्यूमिक, नैनोटेक एंड 82। जैसे ही आपके यहाँ पे कटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद अब नई पत्तियां आने के लिए वेट किया जाता है, उस पूरे टाइम इंटरवल में आप ह्यूमिक, नैनोटेक एंड 82 का स्प्रे करा सकते हैं, और इसके हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। चाहे आप इस्लामपुर जाके देखो, किशनगंज में देखो, और सिलीगुड़ी के आसपास की जितनी बेल्ट है वहां पे सब जगह पे हमारे पास ह्यूमिक, नैनोटेक 82 के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। टी गार्डन्स में आप उसका स्प्रे 20-20 डेज में रिपीट कर सकते हैं, 20-20 डेज नहीं तो वंस इन अ मंथ आप स्प्रे करो। 15 लीटर के टैंक में 30 ml की डोज रखो ह्यूमिक की, 30 ग्राम की डोज रखो नैनोटेक की एंड 10 ml की डोज रखो 82 की। इनको स्प्रे करो, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप स्प्रे करो। पत्तियों की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, पत्तियों की शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, पत्तियां ज्यादा आएंगी, राइट, आपका प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा एंड आपकी इनकम बढ़ेगी।
जो चावल जो खेती करता है ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा चावल खेती होता है, बट सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है इधर का पैदावार बहुत कम है। जैसे पंजाब हरियाणा नॉर्थन रीजन में पैदावार ज्यादा है, यील्ड ज्यादा है, बट ईस्टर्न रीजन में लोएस्ट यील्ड है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको थोड़ा ऐसे बूस्टिंग करने के लिए, और जो यील्ड गैप है, यील्ड गैप को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, चावल के लिए क्या पैकेज प्रैक्टिस रहेगा? कहते हैं कि भाई ईस्टर्न एरियाज में प्रोडक्टिविटी कम है एंड कंपैरेटिवली नॉर्थ या वेस्ट के, तो उसमें खाली प्रोडक्ट्स जिम्मेदार नहीं होते, उसमें सॉयल क्वालिटी भी मैटर करती है, उसमें उसका जो बीज लगाया है उसकी वैरायटी भी मैटर करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मैटर करती हैं। बट अगर हम बात करें कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्या उसमें हेल्प कर सकते हैं यील्ड गैप को कम करने में, डेफिनेटली आप अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी पैडी की यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सॉयल क्वालिटी के लेके, तो सॉयल हेल्थ के लिए आप स्पेशली ह्यूमिक का प्रयोग जरूर करें। हालांकि पैडी का मैं पूरा, अब आपको पूरा शुरू से लास्ट तक का यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए काफी टाइम लग जाएगा, उसके लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, बट ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। और फिर भी आपको देखना हो तो बाद में आप यूट्यूब पे जाके देख लेना उसकी वीडियो फुल पड़ी हुई है, या किसी और दिन अटेंड कर लेना। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जब आप सॉइल प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, सॉइल प्रिपरेशन में आपके लिए पैडी में ह्यूमिक ग्रैनुअल एंड एक्वा जेल डालना बहुत अच्छा रहेगा। प्रोटेक आप डाल सकते हो ताकि आपके यहाँ पे आगे जाके फंगस ना आए। सीड ट्रीटमेंट, जब आप नर्सरी में सीड लगाते हो तब ह्यूमिक एंड प्रोटेक से सीड ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। एंड जब बाल आने का टाइम आता है, रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, उस समय पे प्रोटेक मॉस और 82 का प्रयोग जरूर करें, प्रोटेक मॉस 82। तो ये तीन बार है ना हमारे, हालांकि पांच पांच छह छह स्टेप हैं प्रोडक्ट्स को यूज करने के, बट हमेशा मैं जब शॉर्ट में बताता हूँ तो मैं 1 3 4, जिन लोगों ने पहले ट्रेनिंग अटेंड किए हैं उन्होंने सुने होंगे वो स्टेप्स। नंबर 1 कि जब सॉइल में एप्लीकेशन जरूर करवाएं, नंबर 3 जब फसल लगभग 30 डेज की हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद तब प्रोडक्ट जरूर प्रयोग करवाएं, एंड नंबर 4 फ्लावरिंग के पहले मतलब रिप्रोडक्शन के पहले एक बार मॉस का प्रयोग जरूर कराएं। सो प्रोडक्ट्स अगर आप ये यूज कराएंगे तो आपके धान की क्वालिटी भी अच्छी आएगी एंड धान की जो पैदावार है वो भी अच्छी आएगी। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, डिटेल के लिए आप धान की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना है इसको समझने के लिए। तो उसके बाद मैं आता हूँ, इधर बहुत सारे सब्जी होता है, तो खरीफ सीजन में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स कल्टीवेशन होता है, जो अपलैंड जो फील्ड जो है, जो ऊंचा जमी जो जिसको कहता है, तो उधर जो भी ऐसे खरीफ सीजन में जो वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या रहेगा वेजिटेबल्स? बहुत बढ़िया, वेजिटेबल्स की हम बात करेंगे बासु। बीच बीच में जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप लेते रहो, है हाँ ना, हाँ हाँ क्योंकि ठीक है काफी सारे क्वेश्चन वरना इकट्ठे हो जाएंगे बीच में। जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई ह्यूमिक की 5 लीटर की पैकिंग आएगी क्या। देखिए गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि ह्यूमिक के 5 लीटर की पैकिंग आए, ह्यूमिक का 100 ml का पैकिंग आए, तो ये सजेशन आपको देने पड़ेंगे, है ना। मान लीजिए मैं कंपनी को बोलता हूँ, मैं दीपक सर को बोलता हूँ कल जाके कि सर हमें 5 लीटर की पैकिंग लॉन्च करनी चाहिए, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको ये सजेशंस देने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली, एंड ऐसे बोल के नहीं, रिटर्न में देने पड़ेंगे। कल के दिन अगर मैं कोई आइडिया मैनेजमेंट के आगे प्रपोज करता हूँ तो मेरे पास होना तो चाहिए कि भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ कर रहे हैं डिमांड, दिखाओ, तो मैं ईमेल दिखा तो सकता हूँ। तो जितने लोग भी ऐसे सजेशन देते हैं कि हमें 100 ml का पैकिंग चाहिए, हमें 5 लीटर का पैकिंग चाहिए, वो या तो इन्फो वाली आईडी पे ईमेल करें, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल करें, या बासु जी की ईमेल आईडी पे ईमेल करें, ताकि हम उसको आगे फॉरवर्ड तो कर सकें कि देखो भाई हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं। जैसे इन्फो वाली आईडी तो आपको मालूम ही है, info@mywestage.com। मेरी आईडी है shivam.kumar@mywestage.com, शिवम है ना, SHIVAM, शिवम डॉट कुमार एट द रेट mywestage.com। एंड वासुदेव जी की आईडी है हाँ मैं vasudev.ghosh@mywestage.com। वासु अपनी आईडी टाइप कर देना चैट हाँ बॉक्स ठीक में, ठीक। ये दूसरी चीज, किसी ने लिखा कि धान की ट्रेनिंग कब होगी। धान की ट्रेनिंग हालांकि हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन आजकल धान की ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हर दूसरे, लिंक उसका मिल जाएगा आपको संदीप जी बहुत जल्दी, बट आप YouTube पे जाओगे मेरा नाम सर्च करना शिवम सिंगल, तो उसमें भी धान की ट्रेनिंग पड़ी है। जैसे ही 1 2 दिन में प्लान करेंगे तो लिंक शेयर कर देंगे।
मूंगफली की भी जल्दी करने वाला हूँ मैं, शायद कल मैं मूंगफली की ही ट्रेनिंग करूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में। आई होप आप लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप में ज्वाइन है सब लोग। अभिजीत जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड यूज करने के कितने दिन बाद मॉस यूज किया जा सकता है, तो उसका आंसर मैंने पहले कर दिया था, फिर से कर रहा हूँ, एटलीस्ट 4 to 5 days के बाद। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वासुदेव जी ने क्वेश्चन पूछा था सब्जियों को लेके, तो सब्जियों के लेके एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि सब्जियों में एक तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो सब्जियों की क्रॉप है। मान लीजिए आज किसी ने बीच में ऊपर लिखा था, कोई फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर थी, कि मैं एग्री ट्रेनिंग एग्री पे काम नहीं करती थी, एग्री पे काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो जो लोग एग्री पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप वेजिटेबल्स की क्रॉप पे फोकस करना स्टार्ट करो। उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे आप जो बाकी क्रॉप जो करते हैं, जैसे कोई धान की फसल करता है, गेहूं की फसल करता है, कोई भी फसल करता है, उसमें 4 महीने लगते हैं, 5 भी लग जाते हैं, पहले वो खाद डालेगा, खेत तैयार करेगा, फसल उगाएगा, फसल कटेगी, फिर वो बिकेगी, फिर पैसा आएगा, तो वहां पे बहुत सारी बार उधार का एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। लेकिन सब्जी वालों के पास क्या होता है, सब्जी लगाई 1-1.5 महीने में फसल तैयार हो गई, उसके बाद सब्जी तोड़ेंगे बेच के आएंगे, फिर तोड़ेंगे फिर बेच के आएंगे, तो उनके पास लिक्विडिटी रहती है, हैंड में कैश अवेलेबिलिटी रहती है, तो एक तो आपको उधार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड क्रॉप्स फटाफट रोटेट होती रहती हैं, थ्रू आउट ईयर चलती रहती है कोई ना कोई सब्जी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एग्रीकल्चर कोई सीजनल बिजनेस है, लगातार आपका प्रोडक्ट वहां पे जाता रहेगा। सब्जियों की फसलों में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप शुरुआत में मिट्टी को अच्छा करने के लिए ह्यूमिक एंड 82 का प्रयोग जरूर करवाएं, शुरुआत में ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 का प्रयोग करें, एंड जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम आ रहा है तो कंटिन्यूसली मॉस का स्प्रे रिपीट करें। जैसे ही किसी भी, मान लो टमाटर है, टमाटर पे फ्लावरिंग आने वाली है, भिंडी आजकल चल रही है, भिंडी पे फ्लावरिंग आने वाली है, देन कोई और मान लो उधर परवल बहुत होता है ना उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, राइट, तो जैसे ही फ्लावरिंग आने का टाइम आया उससे पहले हमने एग्री मॉस 82 का स्प्रे किया, फिर उसको 20 days में रिपीट किया, फिर 20 days में रिपीट किया। ये मैंने मिनिमम बताया, आप चाहें तो फिर मॉस के साथ प्रोटेक ऐड कर सकते हो, ह्यूमिक के साथ गोल्ड ऐड कर सकते हो। बहुत बार लोग पूछते हैं सर परवल का साइज छोटा रह गया, साइज मैं चाहता हूँ और अच्छा है, क्या कर सकता हूँ, तो मैंने आपको नैनोटेक बताया था कि फल की क्वालिटी के लिए नैनोटेक आप कर सकते हैं। कई बार लोग, हाँ बैंगन है ना, बैंगन भाजा बहुत बनता है उधर वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, सो बैंगन में कई बार लोग शिकायत करते हैं सर बैंगन आ रहा है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ आ रहा है, तो बैंगन के लिए नैनोटेक जरूर यूज करें, नैनोटेक का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पे नैनोटेक, प्रोटेक्ट, मॉस 82, ये 4 चीजें मिनिमम मॉस 82 जरूर कराएं। ग्रोथ के टाइम पे ह्यूमिक, एक्वाजल, गोल्ड 82, ये 4 चीजें, बट मिनिमम ह्यूमिक 82 जरूर कराएं। तो मैंने आपको मैक्सिमम भी बता दिया एंड मिनिमम भी बता दिया। इसके बाद जो और जो 2-3 सारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन आया सिर्फ वेस्टेज का प्रोडक्ट डाल के मेरा खेती हो पाएगा, ऐसे सिर्फ वेस्टेज का प्रोडक्ट डाल के, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझना, और आगे आपसे भी कोई किसान ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको भी यही सेम आंसर करना है। देखो क्या है, सपोज किसी व्यक्ति को दारू पीने की आदत लगी हुई है ना, बहुत एक कोई व्यक्ति है जो कई सालों से दारू पीता है, ड्रिंक करता है अल्कोहल, अब आप सोच रहे हो कि मैं आज ही उसकी दारू छुड़वा के दूध पिलाना चालू कर दूं, अब वो दारू, ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि एक ही दिन में आदमी दारू छोड़ दे और अब से नहीं भाई दूध ही पिएगा सिर्फ, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके दिमाग को शॉक लगेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसके अंदर खलबली मच जाएगी। सेम केस इज विद सॉइल, आप अपनी सॉइल में इतने सालों से केमिकल्स डालते हुए आ रहे थे, आप सोच रहे हैं कि मैं सारे केमिकल्स बंद कर दूं एकदम एंड सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डालूं, तो सॉइल को एक शॉक लगेगा, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते बट वहां पे एक शॉक लगेगा, शॉक लगने की वजह से क्या होगा, हो सकता है आपकी जो पैदावार है वो सडनली थोड़ा सा कम हो जाए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉक लगे, ये डिपेंड करता है आपने पहले अपनी मिट्टी के साथ प्रैक्टिसेस कैसी रखी हैं, क्या आपने बहुत ज्यादा डाला है केमिकल, क्या आपने लिमिटेड डाला है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, हमारे पास ऐसे ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में 0 केमिकल यूज किया
ह्यूमिक 82 यूज किया, बाकी प्रोडक्ट्स यूज किए, उनकी पैदावार केमिकल के मुकाबले ज्यादा आई। एंड कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिन्होंने केमिकल थोड़ा सा ही कम किया बट उनकी पैदावार ज्यादा नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि उनकी पहले की प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे मेरा आपको कहना यह है कि आप चाहे तो केमिकल बंद कर सकते हैं एकदम से, सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट वहां पे एक रिस्क रहेगा कि आपकी पैदावार कम हो सकती है। तो ऐसे में मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप रिड्यूस कर लो, 25-30% रिड्यूस कर लो, या एक्वाजल डाल रहे हो तो अप टू 40% रिड्यूस कर लो फर्टिलाइजर्स को, एंड साथ में वेस्टीज के प्रोडक्ट मिला के डालो, तो उससे सॉइल भी अच्छी रहेगी और पैदावार कम होने का रिस्क भी खत्म हो जाएगा, बल्कि पैदावार अच्छी निकल के आएगी। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन है, कौशिक पटेल पूछा जे केले के पैंट्स में ग्रोथ के लिए क्या डालना चाहिए, 5 महीने ऐसे हो गया तो क्या डालना चाहिए? ह्यूमिक गोल्ड एंड 82 गाइस, हमेशा याद रखें, देखो जैसे बासु जी ने पहले भी बोला था, एक होती है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अगर किसी का भी प्लांट ग्रोथ की फेज में, प्लांट की ग्रोथ की फेज में है और कोई भी ये व्यक्ति प्रॉब्लम आपसे शेयर करता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है वो है ह्यूमिक गोल्ड एंड 82 का। आप चाहे स्प्रे कराओ 15 लीटर के टैंक से 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड, 10 ml 82, चाहे आप उसको फिर सॉइल में दो, चाहे आप उसको फिर इरीगेशन में दो, बट कॉम्बिनेशन इज ह्यूमिक गोल्ड एंड 82। ये 3 चीज अप्लाई कराओ, ग्रोथ बहुत शानदार हो जाएगी। इसके बाद मैं कोई अलग तरीके से शिफ्ट हो जाऊंगा, जैसे पहले सेशन था प्रोडक्ट सेशन, उसके बाद में क्रॉप कल्टीवेशन ट्रेनिंग, अभी मैं बताऊंगा जो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब किसान लोग के पास जाता है वो जाके क्या पूछेगा, कैसे अप्रोच करेगा, हाउ टू अप्रोच। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं ना, जब भी आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, पहली चीज तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। ऐसा नहीं कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं ना, अप्रोच अगर जैसे अब हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के जो स्टेप शुरू होते हैं ना, बिजनेस के 8 स्टेप होते हैं, सेल्स प्रोसेस के 8 स्टेप होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग होता है, राइट, एंड प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट होता है, अप्रोच बाद में आता है, अप्रोच जो होता है बाद में होता है, अप्रोच से पहले प्री अप्रोच होता है, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, देन नीड असेसमेंट, देन प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से स्टेप्स चलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी को अप्रोच कर रहे हैं उससे पहले आपके पास बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, आपके पास अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, आपके पास उस क्षेत्र में कौन सी फसलें होती हैं उसकी नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, सीजन्स की नॉलेज होनी चाहिए, भाई रबी सीजन में कौन से प्रोडक्ट लगते हैं, खरीफ सीजन में कौन से प्रोडक्ट लगते हैं, ये तो आपके लिए। जब आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपको अपने को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए कि भाई हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो कि किसान की मिट्टी में से केमिकल्स को कम करने के लिए एंड किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, राइट। तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर टू, फिर आप कुछ क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ उनसे समझने की कोशिश करें कि वहां पे फसल कौन सी हो रही है, क्या वहां पे केमिकल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि केमिकल्स कम हो, क्या वो चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े, क्या वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे केमिकल भी कम हो जाए और पैदावार भी बढ़ सके। एंड अगर हर चीज के आंसर आपको यस में मिल रहे हैं, देन आप अपनी चीजें प्रपोज कर सकते हो कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके फर्टिलाइजर भी कम कर सकते हैं, जो आपकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं, तब आप ह्यूमिक 82 प्रपोज कर सकते हो। ये नॉर्मल कंडीशन। अगर किसान आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करने लग जाए कि भाई मेरे यहाँ पे फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, हमारे यहाँ पे फ्लावर कम आते हैं, तो आप मॉस प्रपोज कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखें जब आप किसी को मिल रहे हैं तो वहाँ पे नीड असेसमेंट जरूर करें। नीड असेसमेंट मीन्स कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ह्यूमिक 82 ही प्रपोज कर रहे हैं सबको, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरत के हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट प्रपोज करने हैं और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने ट्रेनिंग ले रखी होगी। कोई किसान लोग के जाके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर पूछा और उसी किसान बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप जैसे 6-7 प्रोडक्ट बोला है मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, जो उसके बारे में
कुछ बोलना जो लोगों के पास, देखो बहुत बार होता है जब हम किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं, हर व्यक्ति सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को आप ह्यूमिक 82 यूज कराओ, ये दो प्रोडक्ट भी अगर आप यूज कराओगे तो नो डाउटेडली आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे कि किसान अगली बार आपके और प्रोडक्ट भी यूज करना चाहेगा। ह्यूमिक 82 लो, एक बोतल ह्यूमिक की 500 ml, एक 300 ml वाला 82, उसको हाफ हाफ करके दो बार यूज करा, बस एक सॉइल प्रिपरेशन के टाइम और एक बार जब फसल एक महीने की हो चुकी है तब, दो बार भी आप प्रयोग करा लोगे एक एक बोतल, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और एक आसाम से पूछा है जिंजर के लिए क्या डालना चाहिए, तो मिट्टी के अंदर जो होता है जिंजर और टर्मरिक, इसके लिए क्या डालने? आई थिंक राधिका जी का क्वेश्चन है। राधिका जी, हालांकि बहुत जिंजर की फसल, अब जिंजर की फसल स्टार्ट हो रही है, दिसंबर जनवरी तक चलेगी, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि यूट्यूब पे जाना, उसमें मैंने जिंजर का शुरू से लेके लास्ट तक सारे स्टेप्स बना के डाल रखा है, उसको जरूर देखना, मेरा नाम सर्च करना शिवम सिंगल एग्री ट्रेनर, वहां पे जिंजर की पूरी ट्रेनिंग पड़ी है। शॉर्टकट में बताऊं तो जिंजर के लिए गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शुरुआत में प्रोटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल एप्लीकेशन में। जब आप खेत तैयार करोगे तो प्रोटेक्ट जरूर डलवा, अदरवाइज आगे जाके फंगस की बहुत समस्याएं आती हैं जिंजर में, पूरा जिंजर खराब हो जाता है। एंड जब ग्रोथ फेज में होगा तब ह्यूमिक गोल्ड 82 जरूर डलवाना, ताकि जिंजर की जो गांठ है वो अच्छे साइज की बने और पैदावार अच्छी आए। बाकी डिटेल के लिए आप एक बार वीडियो देख लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वासु जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड विश यू वेल। गाइज, एक बात का ध्यान रखें, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बाहर कोरोना की स्थिति बहुत खराब है, तो प्लीज प्रिकॉशंस लेते रहें और अपना ध्यान रखें, प्लीज बच के रहें, राइट, एंड अपनी फैमिली को भी सेफ रखें और ख्याल रखें सबका, हिम्मत दें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू, विश यू वेल।